नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, मानव यहां जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरे गैस पाए जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपट्टी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? महाद्वीप पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से
जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवन जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर महासागर जल मंडल के प्रमुख भाग है।
ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः पांच सागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण ही महासागर तथा आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दन्तुरित है। यह अनियमित एवं दन्तुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अंटार्कटिक आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एवं शर्करे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से ढकी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिमंडल कहा जाता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व के में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।